गुड इवनिंग एवरी वन एम आई ऑडिबल फटाफट चैट मे सांगा मज़ा आवाज देते है का गुड इवनिंग एवरी वन गुड इवनिंग एवरी वन हेलो अमर हाय ऋषिका कोण कोण जुळलं आहे आज बघूयात पुलकित अनुजा कुणाल हॅलो निलेश सर एमा ऑडिबल इज माय व्हिडिओ क्लिअर आवाज प्रॉपरली येतोय फटाफट चॅट बॉक्समध्ये सांगा कमॉन लेट मी नो कमॉन बी फास्ट अँड बी क्विक फटाफट यह लिंक ला शेयर करा तुम्हारा फ्रेंड सोबत जल्दी जल्दी ये लिंक को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में जो पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग तो हम कवर करने वाले हैं आज सी प्रोग्रामिंग के कुछ बेसिक टॉपिक्स हम ये ये जो सी प्रोग्रामिंग का सेशन है हमने चालू किया है स्पेशली फॉर सेमेस्टर टू डिप्लोमा स्टूडेंट्स जो बच्चों को सेमिस्टर टू में पीआईसी में केटी है उनके लिए जो डिग्री में पढ़ रहे हैं बच्चे जिनको सेमेस्टर टू में सी प्रोग्रामिंग है ये सेशन उसी बच्चों के लिए हमने किया हुआ है तो जल्दी जल्दी ये लिंक को शेयर करो फटाफट फटाफट लिंक को शेयर करो एंड ये वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक करो अपने दोस्तों को जल्दी जल्दी बता दो कि सेशन चालू हो गया ये वीडियो को शेयर करो अपने स्टेटस के ऊपर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में फ्रेंड्स के ग्रुप में हर जगह पे सर्कुलेट करो सो दैट एवरीवन वुड ज्वाइन दिस सेशन चलो शैल वी स्टार्ट सेशन ओके थैंक यू वेरी मच नीले सर वी स्टार्ट सेशन जल्दी-जल्दी चैट बॉक्स में बताइए ऑन बी फास्ट एंड बी क्विक इफ आर रेडी प्लीज टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स जल्दी जल्दी टाइप करो ऑन बी फास्ट एंड बी क्विक ओके तो जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में मुझे बताइए आप कहा से हो आपके कॉलेज का नाम क्या आपका नाम और आपके कॉलेज का नाम और आप कौन से सिटी से आज लेक्चर बैठ रहे हो महाराष्ट्र के कौन से कोने से हो आप जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में बताइए कम ऑन बी फास्ट एंड बी क्विक चलो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन आज हम कुछ बेसिक टॉपिक कवर करने वाले होंगे ओके दैट्स ग्रेट अमर सातपुते फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अंबाड दैट्स ग्रेट संकेत इज फ्रॉम टीके आई टी आई गेस टीके आई टी कोपुर से है राइट ओके वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम सातारा एज वेल ओके okay, इसको ये सेशन को जल्दी जल्दी शेयर करो इसमें हम वी आर गोइंग टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक इन दिस लाइव सेशन इसके बारे में आपको डिटेल्स बैच का टाइम क्या होगा सबका सब आपको बताया जाएगा ओके okay, तो चलो हम चालू करते हैं सेशन के साथ में आज हम देखने वाले हैं आज और बेसिक एजेंडा इज टू सी प्री प्रोसेसर सेक्शन क्या होता है हेडर फाइल क्या होता है मेन फंक्शन क्या होता है कमेंट्स क्या होता है ये सारी चीजें हम सी प्रोग्रामिंग में आज देखने वाले हैं ओके okay, तो चलो लेट्स स्टार्ट आई होप माय ऑडियो इज प्रॉपर सब लोग सही तरीके से ऑडियो सुन सकते हैं मेरा आवाज सबको सही तरीके से आ रहा है ओके okay. तो अगर मैं बात करूं सैंपल सी प्रोग्राम का देखो बेसिकली हम सैंपल सी प्रोग्राम ये एक बेसिक सा ओके आई सी सडन स्पाइक काफी सारे बच्चे ज्वाइन हुए हैं आई नो आईपीएल चल रहा है एंड यस yes, uh, जब आई एम आल्सो वेरी बिग फैन ऑफ क्रिकेट

बट आईपीएल को हम थोड़ा सा साइड में रख के हमको फोकस करना होगा हमारे पढ़ाई के ऊपर इसलिए सेशन हमने रखे हैं तो जल्दी जल्दी शेयर करो इसको आ, ओके अमर सातपुत ओनली आर सी बी ओके दैट्स ग्रेट सुपर एंड वंडरफुल छत्रपति संभाजी नगर सैम जेन दैट्स ग्रेट ओके व्हाट इज द नेम ऑफ कॉलेज छत्रपति संभाजी नगर बट आपके कॉलेज का नाम क्या है वो जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में बताइए तो चलू तो जल्दी चालू करते हैं हमारे आज के बेसिक प्रोग्राम के साथ में तो जब भी हम सी का प्रोग्राम लिखेंगे हमारा स्टेटमेंट इससे चालू होगा हैल्दी जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में टाइप करके बताओ एस का फुल फॉर्म क्या है मैं बता दू एस का मतलब क्या होता है स्टैंडर्ड ये देखो एस जो लिखा है इसका मतलब क्या है स्टैंडर्ड

एंड इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारा जो भी प्रिंटिंग का इनपुट का आउटपुट का जो भी सारा का सारा स्टेटमेंट है वो ये करली ब्रैकेट ओपन कर ब्रैकेट क्लोज के अंदर आता है ठीक है तो हमको बेसिकली अगर स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम एग्जाम में दो मार्क का क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम तो उसमें आपको ये स्ट्रक्चर लिखना है और इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है कि बाबा कमेंट सेक्शन क्या होता है ना वॉट इज कमेंट सेक्शन हम प्रोग्रामिंग में बहुत सारा चीजें लिखते हैं बट वो पर्टिकुलर प्रोग्राम जो है वो किस चीज के लिए लिखा है उसका पर्पस क्या है ये हम डिफाइन करेंगे हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट सेक्शन सिर्फ प्रोग्रामर के लिए होता है उसका आउटपुट से कोई भी संबंध नहीं होता है बेसिकली क्या होता है एक आईटी कंपनी में जो सॉफ्टवेयर बनता है उसका कोड काफी बड़ा होता है तो वो बड़े कोड को करते करते एक एम्प्लॉय छोड़कर दूसरे कंपनी में चले जाता है उसके बदले में एक नया एम्प्लॉय आ जाता है तो नया एम्प्लॉय जब आता है तो उसको पुराना वाला कोड मिलता है जो पुराना वाले बंदे ने लिखा होता है अब वो कोड का मतलब क्या है वो कोड का मतलब हमने कमेंट सेक्शन में लिखा है कि एग्जाम्पल देखो हम लोग ने एक एडिशन का कोड लिखा तो एडिशन का कोड जो है वो बेसिकली यूज होता है टू एड तो वहां पे हमने कमेंट में लिखा कि बेसिकली ये जो लॉजिक ये जो कोड लिखा है वो हमने किसके लिए लिखा है फॉर एडिशन तो यहाँ पे ये जो कमेंट सेक्शन है कमेंट सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है इसके बाद हम देखते हैं प्रिंट यहाँ पे प्रिंट लिखा हुआ है िंट के अंदर जो भी हम डबल कोड्स के अंदर लिखेंगे वो वैसा का वैसा प्रिंट हो जाएगा जैसे अभी प्रिंट के अंदर हमने यहां पे लिखा है लर्न एट एवरी डबल के अंदर तो एक फंक्शन है जिसके मदद से हम क्या कर सकते हैं प्रिंटिंग कर सकते हैं तो आपका आउटपुट में ये ये मैसेज आएगा लर्न एट एवरी आई होप जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम आपको समझ में आया है तो जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में टाइप करे स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम आप स्ट्रक्चर टाइप करो मुझे पता चल जाएगा कि आपको स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम समझ में आया है कमॉन वी फास्ट एंड वी जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में टाइप करिए जल्दी जल्दी डाल दीजिए इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम जो है अभी प्री प्रोसेसर सेक्शन क्या होता है बच्चों इसको ध्यान से समझेंगे हम लोग प्री प्रोसेसर सेक्शन सेक्शन क्या होता है इसको ध्यान से समझेंगे हम लोग देखो चैट बॉक्स में मैसेज करने के लिए बिल्कुल भी कंजूसी मत करना बहुत ज्यादा जरूरी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैसेजेस करना ताकि मुझे समझ में आएगा कि आप बेसिकली आपको जो हम बता रहे हैं वो समझ में आ रहा है या नहीं ओके ओके दैट्स दैट्स ग्रेट दैट्स वंडरफुल ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो आपको सही तरीके से डिस्प्ले हो रहा है मतलब कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है डिस्प्ले होने के लिए आपको समझ मतलब वीडियो इज क्लियर एवरी वन

तो हैश इंक्लूड एस टी डी आईओ डॉट एच यानियो डॉट एच बेसिकलीस आर दम इस्तेमाल करते हैं ओके okay, तो यहां पे अभी हम, हम अगर देखेंगे तो हमारे पास में प्री प्रोसेसर के एग्जांपल्स अगर देखेंगे तो हम लोग उसको लिखते विद हेल्प ऑफ दिस हैश साइन आप कभी भी जो हेडर फाइल होता है सी प्रोग्रामिंग के अंदर उसको इस तरीके से देखते हैश और फिर आपको लिखना पड़ता है इंक्लूड ओके okay. इंक्लूड के बाद में हम लिखेंगे जो भी हमारा हेडर फाइल हम इंक्लूड करना चाहते हैं एग्जाम्पल एस टी डी Io .h. तो बेसिकली ये ये जो हेडर हेडर फाइल फाइल है ये header file के मदद से हम इनपुट आउटपुट के जो फंक्शन होते हैं जैसे कि प्रिंट एफ और स्कैन एफ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एग्जाम्पल लीजिए अगर आपने ये हेडर फाइल को इंक्लूड नहीं किया अपने प्रोग्राम में और आप प्रिंट और स्कैन एफ फंक्शन जैसे कि आप यूज करना चाहते हो प्रिंट फंक्शन को या स्कैनएफ फंक्शन को तो ये प्रिंट और स्कैन एफ फंक्शन जो है वो चलने वाले नहीं है क्योंकि इसकी सारी डेफिनेशन जो होती है वो सारी की सारी ये हेडर फाइल के अंदर इंक्लूडेड होती है एंड फॉर दिस रीजन हमको ये हेडर फाइल को इंक्लूड करना जरूरी है अगर हम चाहते हैं हमारे प्रोग्राम में प्रिंट और स्कैन एफ चले और ऐसा कोई प्रोग्राम ही नहीं है आपके एग्जाम में जो विदाउट प्रिंट और विदाउट है इसलिए आपको हर प्रोग्राम में स्टेटमेंट लिखना ही पड़ेगा एंड पॉइंट ऑफ योर एवरी से शुरुआत करेंगे पहला लाइन जो आप वो ये होगा include फिर तो यहाँ पे कुछ अलग अलग फाइल्स है जो हम इंक्लूड करते हैं हम फाइल्स को इंक्लूड करने का दो तरीका हैश इंक्लूड और एक हैश डिफाइन ओके okay. तो ये हो गया हमारा प्री प्रोसेसर सेक्शन इसके बाद जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में टाइप करें अगर समझ में आया है प्री प्रोसेसर सेक्शन तो हेडर फाइल्स अभी क्या होता है ध्यान से देखेगा। जैसे मैंने बोला ओके okay. और फिर फाइल का नाम आपको लिखना पड़ता है ओके okay. तो यहां पे आप देखोगे हैश इंक्लूड फाइल दिस इज बेसिकलीस ये सिंटैक्स मतलब क्या होता है ये सिंटैक्स हम उस तरीके से लिखते हैं तो हैश इंक्लूड हैश इंक्लूड फाइल का नाम ये फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है ठीक है एस टी डी आई ओ डॉट एच या तो कोनियो डॉट एच कोई भी हो सकता है इट कैन बी STDIO.H, math.h, conio.h dos.h कोई भी header file जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं ये ये इंक्लूड कोनियो #include, include conio.h इस तरीके से हम हर प्रोग्राम का जो है जो राइटिंग का स्टेटमेंट का जो शुरुआत है हर प्रोग्राम का शुरुआत हम इस तरीके से करते हैं तो दो फाइल्स है जो हमको याद रखनी है जो हमारे हर प्रोग्राम में आने वाली है पहला हैश इंक्लूड एस टी डी आई डॉट एच एंड दूसरा हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच तो जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में अगर ये समझ में आया है आपको तो जल्दी जल्दी टाइप करो हैश इंक्लूड एस टी डी आई डॉट एच

जैसे कि वेरिएबल क्या पूछा तो वेरिएबल अगर आपको 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 में में पूछता तो आपको क्या बताना है शॉर्ट पता चलेगा इससे काफी फायदा होगा आपको तो इसलिए जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में तो यहाँ पे ये हमारे हेडर फाइल्स है तो जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में टाइप करो हैश इंक्लूड एस टी डी आई डॉट एच क्विक जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में डालिएगा अभी यहां पे बोला है मेन फंक्शन अभी हम बात करते हैं मेन फंक्शन का मेन फंक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेन फंक्शन इज एंट्री पॉइंट ऑफ एवरी सी प्रोग्राम आई रिपीट अगेन मेन फंक्शन इज एंट्री पॉइंट ऑफ एवरी सी प्रोग्राम ओके यहां पे ध्यान से समझोग समझिएगा दोस्तों यहां पे बोला है मेन फंक्शन इज एंट्री पॉइंट ऑफ एनी सी प्रोग्राम हर सी प्रोग्राम जो होता है उसका शुरुआत ये जो हमने लिखा है मेन से होता है अब ये फंक्शन है ये कैसे समझेगा आपको ये फंक्शन है ये कैसे समझेगा उसके आगे ब्रैकेट ओपन क्लोज होगा बच्चों ब्रैकेट ओपन क्लोज होगा मेन के आगे ब्रैकेट ओपन क्लोज होगा तो समझ जाने का फंक्शन है कोई भी शब्द के आगे अगर ये ओपनिंग और क्लोजिंग वाला ब्रैकेट लग गया राउंड वाला ब्रैकेट लग गया मतलब समझ जाने का वो क्या है वो एक फंक्शन है वो एक फंक्शन है तो वैसे ही मेन फंक्शन हमें जरूरी है हम जो भी हमारा कोड एग्जीक्यूशन के लिए लिखना चाहते हैं वो सारा का सारा वो सारा का सारा हम कहां पे लिखते हैं मेन फंक्शन के अंदर लिखते हैं दैट्स ग्रेट ओके ओके दैट्स ग्रेट आई कैन सी पीपल आर टाइपिंग हर्षल नवरे अमर पुते सूरज देसले देसाले अनुष्का संजना great, दैट्स ग्रेट that's great. ओके okay, आगे बढ़ते हैं. देखो फ्रेंड्स यहां पे देखो यहां पे मैंने क्या लिखा है void main, ओके यहां पे मैंने लिखा है void main. तो ये बेसिकली दिस इज माई स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम मेरा प्रोग्राम का जो रनिंग होता है ना वो यहां से चालू होता है मेन के अंदर तो मेन के अंदर ये देखो, ये देखो ब्रैकेट ओपन और ये करली ब्रैकेट क्लोज लिखा है मैंने इसके अंदर मेरा सारा का सारा जो होता है ना वो कोड आता है बच्चों तो सारा का सारा कोड मैं कहा लिखूंगा मैं मेन के अंदर लिखूंगा ऐसा सी के अंदर कोई भी कोड नहीं है जो हम मेन के अंदर ना लिखे और वो एग्जीक्यूट हो जाए अगर आप चाहते हो कि प्रोग्राम के अंदर जो भी आप लॉजिक लिखना चाहते हो वो एग्जीक्यूट हो तो उसके लिए आपको प्रोग्राम को मेन के अंदर लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है ओके अगर हम करें तो यहां पे आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर फॉर्मेट ऑफ मेन फंक्शन तो उसके अंदर आप देखो ये मेन फंक्शन है जिसको हमने बोला मेन फंक्शन ओके उसके बाद में दिस इज दिस इज द प्रोग्राम आपका प्रोग्राम यहां से चालू होता है ओके और यहाँ पे आपका जो प्रोग्राम का स्टेटमेंट है ना ये तीन डॉट डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है सारे आपके प्रोग्राम के स्टेटमेंट है 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 ये सारा सारा लॉजिक कोड जो आप मेन के अंदर लिखोगे और फिर वो एग्जीक्यूट होगा आपका मेन फंक्शन पे एंड एंड होता है दिस इज द ऑफ मेन फंक्शन आपका जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे एंड हो जाता है तो बेसिकली सारा का सारा एग्जीक्यूशन जो है वो मेन के करली ब्रैकेट ओपन करली ब्रैकेट क्लोज के अंदर होता है अब बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं ना यहाँ पे मेन के आगे यहाँ पे मेन क्या आ गया ना सेमिकोलन दे देते हैं बच्चो मेन के आगे सेमिकोलन नहीं लगता है देखो सेमिकोलन हम कभी लगाते हैं जब हमको स्टेटमेंट को टर्मिनेट करना होता है एंड करना होता है बट हमको मेन को एंड करने का जरूरत नहीं बिकॉज दिस इज स्टार्ट पॉइंट पॉइंट ऑफ ऑफ मेन मेन एंड एंड दिस इज तो मेन ऑटोमेटिकली ब्रैकेट देखो करली ब्रैकेट ओपन हुआ आपका मेन चालू हुआ करली ब्रैकेट क्लोज हुआ तो आपका मेन क्लोज हो गया तो यही ब्रैकेट जो है वो बता दे रहा है कि हमारा मेन फंक्शन यहाँ पे टर्मिनेट हो चुका है तो आपको अलग से सेमिकोलन देने का जरूरत नहीं आपको सिंटैक्सर आएगा दिस वॉज मेन फंक्शन अगर आपको समझ में आए तो जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में टाइप करो मेन मेन आप इस तरीके से टाइप करोगे मेन को आप इस तरीके से टाइप करोगे जल्दी जल्दी, जल्दी चैट बॉक्स में मेन टाइप करो सो दैट वी कैन स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक अभी हम लोग बात कर रहे हैं प्रिंटेड फंक्शन का तो जैसे मेन फंक्शन इंपॉर्टेंट है वैसे प्रिंटेड फंक्शन भी इंपॉर्टेंट है मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या आवाज आ रहा है सबको उधर चैट बॉक्स में राडा मत करो रे हम एक साथ यहाँ पे पढ़ने को आए हैं उधर तुम चैट बॉक्स में अपना ही भसड़ मचाए बैठे हो मयूर वॉइस नहीं है आई होप माई वॉइस इज ऑडियबल टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स चलो बढ़िया है आवाज आ रहा है ना हाँ चैटिंग मतलब चैटिंग होना चाहिए बच्चों चैटिंग होना चाहिए वीडियो को लाइक करो सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी फटाफट एकदम ओके तो चलो बढ़ते आगे अभी अभी हम लोग देखने वाले नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो एवरी सी प्रोग्राम में हम यूज करेंगे दैट इज प्रिंट फंक्शन प्रिंट फंक्शन जो होता है देखो बच्चों प्रिंट फंक्शन जो होता है ना वो प्रिंटेड फंक्शन जो होता है ना हर सी प्रोग्राम में यूज होता है प्रिंटेड फंक्शन ठीक है अब प्रिंट प्रिंट से क्या होता है फंक्शन के के अंदर अंदर जो भी चीज डबल हम लिखेंगे वो एस इट इज प्रिंट हो जाएगा सो प्रिंटेड फंक्शन बेसिकली हम यूज करते हैं टू प्रिंट द स्टेटमेंट ओके सो प्रिंटेड फंक्शन इज यूज टू प्रिंट द स्टेटमेंट ओके थैंक यू वेरी मच अनुजा वॉइस इज ऑडियोबल

तो ये आपका आउटपुट है

ओके थैंक यू वेरी मच अमर सातपुते राइट right, अमर सातपुते राइट यू आर राइट देखो प्रिंटेड फंक्शन ऐसे नहीं लिखना है बच्चों प्रिंट फंक्शन ऐसे नहीं लिखना है आगे ब्रैकेट ओपन क्लोज करके लिखना है बच्चों प्रिंटेड फंक्शन को सही तरीके से लिखो अभी हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन के ऊपर विच स्कैन एफ फंक्शन प्रिंट को सबसे पहले टिक से टाइप करो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं हमारे स्कैन एफ फंक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंट इज यूज टू गिव आउटपुट वैसे ही स्कैन एफ इज यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर ओके, आई रिपीट मदद से हम प्रिंट कर सकते हैं तो स्कैन से इनपुट ले सकते हैं एक आउटपुट फंक्शन है एक इनपुट फंक्शन है कम ऑन प्रिंट इज अउटपुट फंक्शन एंड स्कैन एफ इज अ इनपुट फंक्शन इससे हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं जैसे मैं बोलूंगा एंटर अ नंबर तो यूजर नंबर एंटर करेगा तो वो नंबर को लेके स्टोर करेगा ये स्टोर करने का काम कौन करेगा स्कैन एफ करेगा तो स्कैन एफ इज अ इनपुट फंक्शन एंड अगेन स्कैन एफ फंक्शन जो होता है वो आता है हेडर हेडर फाइल फाइल स्टैंडर्ड इनपुट 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 आउटपुट 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 मतलब scanf, मतलब स्कैन एफ प्रिंट एफ इसके अंदर ये स्कैन एफ फंक्शन आता है तो स्कैन एफ फंक्शन अगर आप चाहते हो कि चले आपके प्रोग्राम में तो आपको कौन सा हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में मुझे बताओ कौन बी फाशन बी क्विक दैट्स ग्रेट ये जो ये जो बच्चे हैं ना जो प्रिंट के अंदर लिख करके बता रहे That's good. सूरत देसाले ने लिखा है प्रिंट के अंदर हाई सर बट डबल कोर्ट्स में नहीं लिखा तो एरर आ जाएगा अनुजा ने लिखा है हेलो वर्ल्ड तो आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड तो जल्दी जल्दी प्रिंट में डालो ब्रैकेट डबल कोर्ट्स के अंदर वी टू वी वी टू वी की जय हो जल्दी जल्दी डालो और लाइक करो जल्दी जल्दी लाइक करो वीडियो को अभी हम देखते हैं यहां पर

तो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट डी इस्तेमाल करेंगे अगर फ्लोट फ्लोट किया है तो हम लोग परसेंट एफ का इस्तेमाल करेंगे ओके अगर आपने कैर लिया है तो हम परसेंट

अब मेरा पहला क्या बोला? ये मैंने कर लिया। इसके अंदर, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है बच्चों वेरिएबल क्या है आज के लेक्चर में बता के भेजूंगा ऐसे बताऊंगा कि दिमाग में घुस जाएगा देखो हम पढ़ाएंगे आपको आपके आप में अगर हिम्मत है तो भूल के दिखाओ ऐसे पढ़ाएंगे कि दिमाग में आपके घुस जाएगा कभी भूल नहीं पाओगे इस तरीके से समझाऊंगा जो बेसिक टॉपिक्स है सी प्रोग्रामिंग के वो आपके दिमाग में ऐसे फिट कर दूंगा कि आप चाहो तो भी भूल नहीं जाओगे ठीक है यहां पे हम लोग ध्यान से समझेंगे इंट ए नाम का मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो ये जो ए वेरिएबल है ये बेसिकली इसके अंदर मैं कुछ ना कुछ एक नंबर स्टोर करना चाह रहा हूं तो मैंने यूजर को मैसेज दिया क्या मैसेज दिया एंटर इनपुट एंड इंटीजर नंबर तो जैसे ही ये मैं मैसेज दूंगा इनपुट एंड इंटीजर नंबर तो यूजर कोई ना कोई नंबर एंटर करेगा देखो प्रिंटअ के अंदर मैं क्या कर रहा हूं बच्चों प्रिंटफ के अंदर में क्या कर रहा हूं प्रिंट के अंदर में मैसेज डाल रहा हूं क्या मैसेज डाल रहा हूं इनपुट एंड इंटीजर नंबर तो ये आउटपुट में एक मैसेज आएगा छपके इनपुट एंड इंटीजर नंबर

क्या करेगा परसेंटी वो नंबर लेगा और ए में स्टोर कर देगा इसलिए के अंदर मुझे इस तरीके से लिखना पड़ता है सबसे पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर क्योंकि वो इंटीजर नंबर है वो नंबर को लेगा और पे पे डालेगा वो कहां पे डालेगा वो ए के अंदर डालेगा बोलो समझ में आता है क्या स्कैन फंक्शन समझ में आया क्या जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में बताइए स्कैन फंक्शन समझ में आया क्या अतुल जादव परसेंट एस जो होता है वो स्ट्रिंग के लिए होता है स्ट्रिंग और कैर में फर्क है कैर मतलब क्या होता है एक सिंगल अल्फाबेट होता है और स्ट्रिंग मतलब एक पूरा वर्ड हो गया जैसे कि बी टू बी ओके अगर मैं कैर का एग्जांपल लू तो जैसे वी जो होता है वो एक अल्फाबेट है वो हम कैर में स्टोर कर सकते हैं बट अगर आप एक एल्फ... मतलब एक वर्ड को स्टोर करना चाहते हो जैसे कि बी टू वी तो आपको स्ट्रिंग लेना पड़ेगा सो देर इज डिफरेंस बिटवीन कैर एंड स्ट्रिंग जो आने वाले वीडियोस में हम देखने वाले ओके तो जल्दी जल्दी स्कैन एफ समझ में आया तो फटाफट चैट बॉक्स में टाइप करो स्कैन ऑन बी फास्ट एंड बी क्विक एफ टाइप करो कम ऑन बी फास्ट एंड बी क्विक जल्दी जल्दी टाइप करो हम लोग बढ़ते हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर तब तक आप टाइप करते रहिए बताते रहिए ये आप मेरे पीछे देखो ना किस तरीके से काफी अच्छे तरीके से एनिमेशन वगैरह बना करके दिया हुआ है ये सारा का सारा जो कंटेंट है आपको मिल जाएगा ठीक है ये नोट्स जो जिसमें मैं पढ़ा रहा हूं काफी इजी नोट्स है ये आपको मिल जाएंगे ग्रुप के साथ बने रहिए ठीक है थीके? जल्दी ही मैं ग्रुप का जो चैटिंग का ऑप्शन है उसको एक्टिव कर दूंगा बीच में बहुत सारे बच्चे भंगस कर रहे थे ग्रुप में काफी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे थे उसके से हमने ग्रुप का जो चैटिंग ऑप्शन था उसको बंद कर दिया था बट जल्दी ही हम वो ग्रुप में क्या करने वाले हैं चैटिंग ऑप्शन को ऑन कर देंगे ताकि आप डिस्कस कर पाए आपके डाउट्स क्लियर कर पाए नोट्स हम शेयर कर पाए आपके पास में कुछ चीजें हैं तो आप उसके अंदर शेयर कर पाए तो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल ओके तो हम बढ़ते हैं अभी आगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर कमेंट्स क्या होता है बच्चों देखो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोग्रामिंग के अंदर ना कमेंट्स मतलब क्या होता है ओके कमेंट्स मतलब क्या होता है ध्यान से समझिएगा इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू कैन प्लेस कमेंट्स इन सोर्स कोड दे आर नॉट एग्जीक्यूटेड एस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम जो भी सी प्रोग्राम आपका रहेगा उसके अंदर आप कमेंट लिख सकते हो ठीक है ना अब वो कमेंट क्या बताएगा कि बेसिकली वो जो कोड आपने लिखा है उसका अर्थ क्या है उसका मीनिंग क्या है उसके अंदर लिखा रहेगा वो जो कमेंट है ना आपका कंपाइलर पढ़ नहीं पाता है वो सिर्फ हमारे इन्फॉर्मेशन के लिए होता है प्रोग्रामर मतलब हमारे इंफॉर्मेशन के लिए होता है उसको कोई भी कंपाइलर रीड नहीं कर सकता तो उसके लिए कमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सी में दो तरीके के कमेंट होते हैं सबसे पहले आता है सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा आता है मल्टीलाइन कमेंट सिंगल लाइन कमेंट जो होता है हम ऐसे फॉरवर्ड स्लैश करके लिखते हैं जैसे कि मैं लिखू दिस इज दिस कोड इज फॉर एडिशन तो ये सिंगल लाइन कमेंट हो गया अब यही मान के चलो मेरा कमेंट बड़ा हो जाता है काफी बड़ा कमेंट है तो मैं कैसे लिखूंगा फॉरवर्ड स्लैश फिर लिखूंगा स्टार्ट और फिर लिखूंगा दिस इज कोड फॉर एडिशन और फिर मैं लिखूंगा स्टार और फॉरवर्ड स्लैश तो इसको बच्चों हम बोलते हैं मल्टीलाइन कमेंट एंड इसको हम बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट बोलो समझ में आता है क्या कॉमन बी फास्ट एंड बी क्विक समझ में आता है क्या अगर समझ में आता है तो टाइप करो कमेंट इन चैट बॉक्स कॉमन बी फास्ट एंड बी क्विक टाइप करो कमेंट इन चैट बॉक्स कॉमन बी फास्ट एंड बी क्विक जल्दी जल्दी टाइप करो ओके okay. That's great. एक छोटा सा बेसिक सा प्रोग्राम है आप देख सकते हो यहां पे इंट मेन के अंदर हमने शुरुआत किया प्रिंटेफ के अंदर मैंने लिखा है हेलो वर्ल्ड और ये आउटपुट बेसिकली देखो आपको दे रहा है हेलो वर्ल्ड तो आप जैसे ये मोबाइल फोन में प्रोग्राम मैंने करके दिखाया वैसे आप भी कर सकते हो और ऐसा प्रोग्रामिंग अगर आप करना चाहते हो तो काफी एप्लीकेशन है जैसे कि सोलो लर्न और आपको सोलो लर्न भी इंस्टॉल नहीं करना अपने मोबाइल फोन में तो व्हाट यू कैन बेसिकली डू गूगल ओपन करो गूगल क्रोम आपका ब्राउजर ओपन करो और वहां पर डालो ऑनलाइन सी कंपाइलर और कोई भी एक कंपाइलर उठा लो और धड़ाधड़ कोडिंग करना चालू करो क्योंकि जब तक कोडिंग नहीं करोगे तब तक एरर नहीं आएगा एरर जब तक नहीं आएगा तब तक आप सीखोगे नहीं सीखोगे नहीं तब तक आगे बढ़ोगे नहीं कोडिंग करना आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है, ओके। okay. चलो लेट स्टार्ट हम बढ़ते आगे इन नेक्स्ट टॉपिक हाँ, ये टर्बोसी का आ, मैंने वो लिखा है टर्बोसी में कोड का एक एग्जाम्पल दिया है ठीक है आ, वैसे हम इसको आने वाले टाइम में कर लेंगे आज थोड़ा सा थ्योरी पार्ट कवर करने वाले प्रैक्टिकल हम जल्दी चालू करेंगे पहला थ्योरी का बेस बनना बहुत ज्यादा जरूरी है वेरिएबल क्या होता है कैसे डिक्लेयर करते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारी चीजें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है ओके तो चलो बढ़ते आगे हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बच्चों ओके ये सब प्रोग्राम हम बाद में देखेंगे इसका भी हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है

ये सब ना आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है अगर ये आपको नहीं आएगा ना तो आप एक प्रोग्राम जो होता है ना बना नहीं पाओगे ठीक है जैसे एक बिल्डिंग बनता है ना तो बिल्डिंग बनने के लिए हमको क्या क्या लगता है ईटे लगते हैं सीमेंट लगता है रेती लगता है ठीक है पानी लगता है ठीक है तो ये सारे चीजें जब मिक्स होती है तब एक बिल्डिंग खड़ी होती है ठीक है ना उसके अंदर लोहा लगता है सलिया लगता है काफी सारी चीजें ना एक साथ जब आती है तब एक बिल्डिंग बनता है तो वैसे ही काफी सारी चीजें एक साथ जब आती है तब एक प्रोग्राम बनता है वो काफी सारी चीजें कौन सी है वो यही है वेरिएबल है डेटा टाइप है कीवर्ड है कॉन्स्टेंट है एस्केप एस्केस है इन सबका कॉम्बिनेशन ये सबको एक साथ जब हम लाएंगे

एक सी प्रोग्रामिंग का कोर्स है जो कि के ऊपर आपको मिलेगा काम आप है, है, का का कर दूंगा चार सौ पांच 400 500 300 जो भी रहेगा मैं आपको उसमें ऑफर करूंगा वो कोर्स, आप उसको बाय करिएगा उसको पढ़ो उसके अंदर काफी चीजें और डिटेल में हमने दिया है ठीक है हम बढ़ते अभी आगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर सो so, आज हम देखने वाले वेरिएबल क्या होता है ओके okay. ध्यान से समझो मैंने एक एक रील भी बनाया था वेरिएबल के ऊपर ओके आई होप अगर आपने देखा हो जस्ट लेट लेट मी टेक द बॉटल ओके सो यहां पे आई हैव ये रिकॉर्डिंग रूम है हमारा छोटा सा रूम इसके अंदर दो बोतल मुझे मिली ये एक भगवान का तेल दिया वगैरह लगाते हैं और एक ये पानी का बॉटल है ओके okay, तो अभी इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं बच्चों ओके नाउ लेट्स टेक एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल तो ये दिख रहा है इसके अंदर तेल थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा ओके okay? तो ये जो तेल है ये तेल का बॉटल है ठीक है ये ये बोटल के अंदर तेल है अगर मान के चलिए बॉटल नहीं होता ठीक है तो क्या ये तेल को मैं ये मैं हाथ में पकड़ सकता था ये तेल को जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में बताओ अगर ये बॉटल नहीं होता तो ये तेल को मैं हाथ में पकड़ सकता था यस मैं नहीं पकड़ सकता था क्योंकि मेरे हाथ में से वो निकल जाता तो मुझे एक कंटेनर का जरूरत था जिसके अंदर तेल को मैं स्टोर कर सकूं या ऑयल को स्टोर कर सकूं तो बेसिकली बच्चों ये ये जो

अब आपको तो पता ही कितने अलग अलग तरीके के बॉटल आते हैं ठीक है मतलब मुझसे ज्यादा शायद आपको पता होंगे कि कितने अलग अलग तरीके के बॉटल्स आते हैं ठीक है यस डेफिनेटली मैं बात कर रहा हूं पेप्सी का थम्सअप का आई नो आपके दिमाग में क्या चल रहा है बट यस yes. हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉटल है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का लिक्विड हम स्टोर करते हैं तो बेसिकली बॉटल जो होता है वो कंटेनर है और कंटेनर के अंदर हम कुछ ना कुछ कंटेन कर रहे हैं वैसे ही वेरिएबल का मतलब क्या होता है ठीक है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का अगर मैं बात करूं तो प्रोग्रामिंग करते वक्त मुझे बहुत सारा डेटा को स्टोर करना पड़ता है वो डेटा को स्टोर करने के लिए मुझे ऐसे ही ये बॉटल जैसे कंटेनर का जरूरत पड़ेगा और वो कंटेनर को ही मैं बोलता हूं वेरिएबल ओके okay. अब इसका वेरिएबल का डेफिनेशन क्या है ना बच्चों एकदम ध्यान से समझेंगे हम लोग अभी देखो एकदम ध्यान से ओके okay. चलो अभी ना ध्यान से समझो बच्चों मैंने ना एक वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने लिखा इंट ए सेमिकोलन ओके मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम है इंट ए अब ये इंट ए जो है इसको मैं बोलता हूं वेरिएबल डिक्लेरेशन देखो मैं कमेंट लिख रहा हूं वेरिएबल डिक्लेरेशन ओके अब ये जो कमेंट लिखा है ना वो मेरे लिए हमारे जैसे प्रोग्रामर के लिए ये कंपाइलर पढ़ नहीं सकता ये हमारे सम, समझदारी के लिए होता है ठीक है आपको समझने के लिए मुझे समझने के लिए होता है ठीक है मैंने लिखा इंट ए अब ये ए के अंदर मैं क्या करूंगा लिखूंगा ए इज इक्वल टू फाइव मतलब ये फाइव ये जो वैल्यू है वो मैंने किसको पास कर दिया ए को पास कर दिया मतलब अभी ये जो ए है ये कंटेनर जैसा काम कर रहा है और वो कंटेनर में फाइव ये वैल्यू को स्टोर किया है अगर आप देखोगे यहाँ पे एक डायग्राम है इसके अंदर ये देखो ये एक कंटेनर है और ये कंटेनर के अंदर हमने क्या रखा है एक आइटम रखा है तो ये कंटेनर जो है वो ये आइटम को होल्ड कर रहा है तो सबसे पहला अगर वेरिएबल वेरिएबल हम क्यों डिक्लेयर करते हैं क्योंकि हमको उसके अंदर कुछ ना कुछ कंटेन करना, करना होता है कुछ ना कुछ स्टोर आपको बता रहा हूँ समझने का वेरिएबल क्या होता है ध्यान से समझो अभी हमारा जो कंप्यूटर का मेमोरी होता है ना वो कुछ इस तरीके से होता है बच्चों कंप्यूटर के हर मेमोरी ब्लॉक्स को ना एक यूनिक नंबर देते उसको हम बोलते हैं एड्रेस तो ये इस तरीके से होता है अभी मान के चलो जैसे ही मैंने ये इंट ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया तो उसको मेमोरी में किधर ना किधर जगह मिलेगा तो ये ए को इधर जगह मिल गया एग्जांपल ले लो अब ए के अंदर मैंने फाइव को ये स्टोर किया ये फाइव जो वैल्यू उसको मैंने स्टोर किया बच्चों ध्यान से समझो अब ये ए के अंदर वैल्यू क्या है बच्चों तो फाइव है अभी क्या होता है ना ये ए मुझे क्यों देना पड़ता है क्योंकि ये जो मेमोरी का नंबर है ये जो मेमोरी का एड्रेस है ये 1001 जो है मैंने आपको समझने के लिए लिखा है वन ये एड्रेस एक काफी बड़ा नंबर होता है जिसको मैं याद नहीं रख सकता तो वो जो मेमोरी का एड्रेस है वो नंबर को मैं याद नहीं रख सकता एंड फॉर दैट रीजन हमको वो मेमोरी को नाम देना पड़ता है देखो इसको समझने दे के लिए ना और एक एग्जांपल लेते हैं मान के चलो ये दुनिया में नाम देने वाला जो जैसे अभी मेरा नाम अक्षय गायकवाड़ है अक्षय अशोक गायकवाड़ आपका भी कुछ ना कुछ नाम होगा तो हमारे पेरेंट्स ने हमको नाम दिया है ये धरती पे जो लोग रहते हैं वहां पे ना नाम देने का प्रथा है एक नया बच्चा आता है तो उसको नाम देना पड़ता है ओके अगर ये नाम देने का प्रथा ना होता और नंबरिंग का प्रथा होता जो सबसे पहला जन्म लिया है वो पहला नंबर जो दूसरा जन्म लिया उसको सेकंड नंबर जो तीसरा जन्म लिया उसको थर्ड नंबर जो चौथा जन्म लिया उसको फोर्थ नंबर मान के चलो आपका और मेरा नंबर कितना बड़ा होता तो ये जो बड़ा नंबर है हम याद नहीं रख सकते इसलिए नंबर के बदले में हमने क्या दिया नाम दिया वैसे मेरा नाम अक्षय है आपका नाम राज होगा आदित्य हर्षल स्नेहा अतुल जो भी आपका नाम है जो आपके पेरेंट्स ने दिया है तो वो नाम से बेसिकली क्या हो रहा है डिफाइन हो रहा है आपका आइडेंटिटी तो वैसे ही कंप्यूटर का जो मेमोरी होता है ये मेमोरी का जो ब्लॉक होता है इसका जो एड्रेस होता है ये नंबर को हम याद नहीं रख सकते और क्योंकि उसको याद नहीं रख सकते इसलिए उसको एक नाम देना पड़ेगा और वही नाम को हम बोलते हैं वेरिएबल तो डेफिनेशन क्या बोलता है सी वेरिएबल्स इज अ अम्ड लोकेशन इन अ मेमोरी वेर अ प्रोग्राम कैन मैनुपुलेट द डेटा मतलब अगर आसान भाषा में बोलू एकदम आसान भाषा में बोलू तो सी वेरिएबल सी वेरिएबल का मतलब होता है नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन तो जो भी ये मेमोरी लोकेशन है ना ये मेमोरी लोकेशन को जो भी हम नाम दे रहे हैं उसको हम बोलते हैं वेरिएबल तो सी वेरिएबल्स का मतलब क्या है वेरिएबल मींस नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन अगर आपको समझ में आया ये डेफिनेशन देखो काफी आसान डेफिनेशन है वेरिएबल मतलब नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन ये मेमोरी लोकेशन का मेमोरी लोकेशन क्यों जरूरत है भाई? हम ये को याद नहीं रख सकते में टाइप करो ये डेफिनेशन अगर आपको समझ में आया जल्दी जल्दी अगर आपको वाइवा में पूछा इंटरव्यू में पूछा कि भाई वेरिएबल क्या है तो आप क्या डालेंगे क्या आंसर देंगे बॉक्स में मुझे फटाफट डालो अमर सातपुते ने लिखा है मेन्यू ट मीन्स क्या मैनुपलेट मतलब चेंज मैनुपुलेट मैनुपुलेट का मतलब क्या होता है चेंज मैनुपुलेशन मतलब क्या चेंज करना सी यहां पे ध्यान देना मैनुपुलेशन मतलब क्या अभी वेरिएबल का देखो वेरिएबल का सबसे पहला पॉइंट मैंने बोला वेरिएबल एक कंटेनर है जो कुछ ना कुछ कंटेनकर है दूसरा मैंने बोला वेरिएबल मींस नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन तीसरा तीसरा फीचर वेरिएबल का वेरिएबल के अंदर हम एक ऐसा वैल्यू को स्टोर करते हैं जो शायद चेंज हो सकता है नाउ लेट्स टेक एग्जांपल एज मान के चलो आपका एज आपका एज अभी है सिक्सटीन तो मैंने लिखा एज इज इक्वल टू सिक्सटीन मुझे बताओ जिंदगी भर के लिए आपका एज सिक्सटीन ही रहने वाला है क्या एक साल बाद सत्रह होगा फिर अठारह होगा फिर उन्नीस होगा बढ़ते जाएगा तो मैं एक ऐसा वेरिएबल, वेरिएबल का फीचर क्या है कि इसके अंदर का चेंज हो सकता है। ये एज का वैल्यू सेवनटीन से बदल के मैं 18 भी कर सकता का फीचर ही है कि वो चेंज हो सकता है तीन पॉइंट सी बच्चों पहला वेरिएबल कुछ ना कुछ कंटेन करता है बॉटल वाला एग्जांपल बच्चों बॉटल बोला तो कुछ दिमाग में और मत लाना बॉटल मतलब पानी का बॉटल का बात कर रहा हूं मैं दूध के बॉटल का बात कर रहा हूं पानी का बॉटल कंटेन कर रहा है वैसे ही आपका जो वेरिएबल है वो कुछ ना कुछ वैल्यू को कंटेन करेगा जैसे यहां पे मैंने लिखा five, ये था फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट क्या बोला वेरिएबल मीन्स नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन जो हमारा डेफिनेशन है वेरिएबल मीन्स वॉट नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन तीसरा फीचर मैंने वेरिएबल का क्या बताया वेरिएबल के अंदर का जो वैल्यू है वो चेंज हो सकता है होगा जरूरी नहीं चेंज हो सकता है अगर चाहिए तो चेंज करोगे एज सिक्स है साल भर नहीं चेंज करेंगे ना साल भर तो सिक्सटी ही रखेंगे एक साल होने के बाद में क्या कर देंगे सत्रह कर देंगे सत्रह का एक साल कंप्लीट होने के बाद करेंगे अठारह कर देंगे मतलब वेरिएबल के अंदर का जो वैल्यू है वो चेंज हो सकता है आ आना समझ में जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में टाइप करो बी फास्ट एंड बी क्विक वेरिएबल समझ में आए तो प्लीज टाइप वेरिएबल इन द चैट बॉक्स बी फास्ट एंड बी क्विक जल्दी जल्दी टाइप करो हम बढ़ते आगे सो दिस वॉज वेरिएबल अब यहां पे जैसे आप देख सकते हो ये डेटा है ये डेटा कहां पे गया ये कंटेनर के अंदर गया और वो स्टोर हो गया ओके okay? अगर मैं बात करता हूं आगे दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल वेरिएबल को नेम करने के लिए हमको कुछ ना कुछ रूल्स का जरूरत पड़ता है बच्चों फ्रेंड्स कम ऑन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इधर ही इधर ही मिस्टेक होता है इधर ही मार्क आ जाते हैं सारे बच्चे प्रोग्रामिंग में काफी एरर आते हैं ये ये पॉइंट्स अगर आप सीख लेंगे ना आपके आधे एरर ऐसे चले जाएंगे ओके कम ऑन बी फास्ट जल्दी जल्दी टाइप करो चैट बॉक्स में यहां पर सबसे पहला रूल

यू गेटिंग माई पॉइंट आप नंबर से शुरुआत नहीं कर सकते उसके बाद में कोई भी अंडर स्कोर को छोड़ के और कोई भी स्पेशल सिंबॉल का इस्तेमाल नहीं कर सकते फर्स्ट पॉइंट आई रिपीट यहां पर बोला है। हैथ लेटर लेटर से शुरुआत होना चाहिए और किससे शुरुआत होना चाहिए ओनली अंडर स्कोर आप नंबर से शुरुआत नहीं कर सकते इसका मतलब क्या है आपके जैसे कि मैंने लिखा इंट ए चलेगा दिस इज राइट अगर मैंने लिखा इंट मैंने लिखा इंट ए अंडरस्कोर बी सेमीकोलन चलेगा अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हो ठीक है या तो मैंने ऐसे लिखा इंट अंडरस्कोर ए अंडरस्कोर से शुरुआत किया चलेगा बट क्या नहीं चलने वाला क्या नहीं चलने वाला मैंने लिखा इंट 1 ए सेमीकोलन नंबर से शुरुआत किया बिल्कुल नहीं चलेगा मैंने मान के चलो ऐसे लिखा इंट प्लस ए सेमीकोलन मैंने स्पेशल सिंबल प्लस का इस्तेमाल किया नहीं चलेगा बच्चों क्यों नहीं चलेगा कोई दूसरा स्पेशल सिंबल क्यों नहीं चलेगा क्योंकि हर स्पेशल सिंबल का कुछ ना कुछ मतलब होता है प्रोग्रामिंग में अगर मैं बात करूं प्लस का अगर मैं बात करूं स्टार का माइनस का डिवाइड का मॉड्यूलस का हर स्पेशल सिंबल का कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग में मतलब होता है हमने सिर्फ और सिर्फ अंडर को खाली छोड़ा है इसलिए हम अंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं तो बच्चों फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है पहला पॉइंट है कि हम सी प्रोग्रामिंग में जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसका शुरुआत लेटर से होना चाहिए या अंडरस्कोर से होना चाहिए बोलो समझ में आता है तो जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में टाइप करो वहां पे वन डालो वन मतलब पहला पॉइंट क्लियर है वन डालो मतलब पहला पॉइंट क्लियर है सेकंड पॉइंट क्या बोला है देखो यहाँ पे ध्यान से समझो वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव केस सेंसिटिव मतलब क्या मान के चलो आपने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है इंट एबीसी आपने एबीसी को स्मॉल में लिखा है तो प्रोग्राम में लिखते वक्त भी आप स्मॉल में लिखेंगे अगर आपने एबीसी ऐसे लिखा तो नहीं चलेगा आपने एबीसी लिखा तो नहीं चलेगा आपने जैसा लिखा है वैसा का वैसा सेम केस में लिखना पड़ेगा अगर आपने लोअर केस में लिखा है तो प्रोग्रामिंग में भी आप लोअर केस में लिखोगे अगर आपने अपर केस में वेरिएबल को डिक्लेयर किया तो वहां पे आप अपर केस में ही डिक्लेयर करोगे तो ये सेकंड पॉइंट समझ में आया क्या सेकंड पॉइंट क्या बोला वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव केस सेंसिटिव मतलब अगर आपने वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त अपर केस का इस्तेमाल किया है तो अपर केस में लिखो अगर आपने लोअर केस में लिखा है तो लोअर केस का इस्तेमाल तो तो आप शुरुआत किससे करो पहला पॉइंट क्या बोलता है से करो? लेटर से करो, से करो, चलेगा। उसके बाद अगर आपको नंबर मतलब डिजिट का इस्तेमाल करना है आप कर सकते हो लेटर्स का इस्तेमाल करना है आप कर सकते हो बोलो समझ में आता है क्या तो डिजिट्स का इस्तेमाल अलाउड है बट बाद में शुरुआत में नहीं इसका मतलब क्या है आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया आपने बोला इंट, मैंने लिखा M1. ये चलेगा दिस इज राइट बट अगर आपने लिखा इंट वन एम सेमीकोलन तो ये रॉन्ग है भाई क्योंकि आपने शुरुआत कहां से किया डिजिट से किया वेरिएबल का आपको हमेशा वेरिएबल का शुरुआत लेटर से या अंडरस्कोर से करना है अगर आपको नंबर्स का इस्तेमाल करना है तो आप बाद में कर सकते हो बट शुरुआत किससे होगा लेटर से होगा तो जल्दी जल्दी अगर थर्ड पॉइंट समझ में आए तो प्लीज टाइप थ्री इन द चैट बॉक्स बी फास्ट एंड बी क्विक चौथा पॉइंट हम देखेंगे नो स्पेशल सिंबॉल्स आर अलाउड अदर देन अंडर स्कोर बच्चो स्टार्टिंग में लिखो एंड में लिखो बीच में लिखो जहां पे लिखना है वहां पे लिखो अंडरस्कोर का इस्तेमाल आप कर सकते हो उसके अलावा कोई भी स्पेशल सिंबल का इस्तेमाल नहीं कर सकते कीबोर्ड के ऊपर कीबोर्ड के ऊपर जितने भी स्पेशल सिंबल है किसी का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हम सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पेशल सिंबल का इस्तेमाल कर सकते जिसका नाम है अंडर एंड रीजन इज क्योंकि अगर मैं बात करूं स्टार का तो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है प्लस का तो एडिशन के लिए माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए ये डिवीजन के लिए ये मॉड्यूल के लिए ठीक है ये नॉट बोल के हम इस्तेमाल करते देखो हर स्पेशल सिंबल का कुछ ना कुछ मतलब पहले से होता है और वो स्पेशल सिंबल हम वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए यूज नहीं कर सकते बच्चों तो माय फिफ्थ पॉइंट अगर आपको चौथा पॉइंट क्लियर है नो स्पेशल सिंबल स्पेशल सिंबल में सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हो अंडरस्कोर के अलावा और कोई भी वेरिएबल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते आप उसके बाद में अगर मैं बात करूं फिफ्थ पॉइंट का सम हाइट अंडर स्कोर वैल्यू आर सम एग्जाम्पल्स फॉर वेरिएबल ने यह कुछ वैलिड एग्जाम्पल्स है बच्चों दिस आर समलिड एग्जाम्पल्स दिस आर सम्पल्स जो हम एस अ वेरियबल यूज कर सकते हैं ओके okay? तो अगर पांचवा पॉइंट अगर फिफ्थ पॉइंट सेवन में आए तो टाइप करो फाइ इन दैट बॉक्स कम ऑन बी फास्ट एंड बी क्विक फिफ्थ पॉइंट अगर तो प्लीज टाइप फाइ इन द चैट बॉक्स ओके okay? कम ऑन बी फास्ट एंड बी क्विक जल्दी जल्दी टाइप करो

डिक्लेरेशन क्या होता है वेरिएबल शुड बी डिक्लेयर इन सी प्रोग्राम देखो आप पैदा हुए तभी तो आपको नाम दिया ना आप पैदा हुए तभी तो आपको नाम दिया वैसे ही वेरिएबल को आपको पैदा करना पड़ेगा फिर आप नाम दे सकते हो ठीक है पहला डिक्लेयर करना पड़ेगा उसके बाद में हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं यहां पे देखो वही हमने देखा है एग्जांपल के मदद से समझेंगे ध्यान से समझो यहां पे बोला है वेरिएबल डिक्लेरेशन बच्चों वेरिएबल सबसे पहला वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा हम लोग सबसे पहला डेटा टाइप बोलेंगे डेटा टाइप मतलब वो वेरिएबल के अंदर आप कौन से टाइप का डेटा स्टोर करना चाहते हैं जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे बोला इंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड मैं यहां पे लिखता हूं इंट ए अब ये ए मेरा वेरिएबल का नाम है और ए के अंदर मैं कौन से टाइप का डेटा स्टोर करना चाहता हूं इंटीजर टाइप का मतलब न्यूमरिक टाइप का डेटा स्टोर करना चाहता हूं मैंने लिखा इंट ए तो यहां पे जो ये इंट है इसको हम बोलते हैं डेटा टाइप क्या बोलते हैं है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं वेरिएबल नेम इसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल नेम और ये पूरा स्टेटमेंट इंट ए और सेमिकोलन जो हमने लिखा है जैसे मैंने लिखा इंट ए सेमिकोलन ये पूरा स्टेटमेंट को हम बोलेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन हम इसको बोलेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन ओके देखो ये जो इसमें इंट है इसको मैं बोलूंगा डेटा टाइप ये जो ए है इसको मैं बोलूंगा नेम ऑफ द वेरिएबल ये जो सेमिकोलन मैंने यूज किया इसको बोलेंगे टर्मिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट और ये पूरा जो लाइन है ये पूरा जो स्टेटमेंट है इसको मैं बोलूंगा वेरिएबल डिक्लेरेशन सबसे पहला मेरे को वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा डिक्लेयर करने के बाद ही मैं उसके अंदर वैल्यू को स्टोर कर सकता हूं अगर वेरिएबल डिक्लेरेशन समझ में आए तो प्लीज टाइप वेरिएबल डिक्लेरेशन इन द चैट बॉक्स कम ऑन बी फास्ट एंड बी क्विक प्लीज टाइप वेरिएबल डिक्लेरेशन इन द चैट बॉक्स इसके बाद यहां पे देखो बोला वेरिएबल इनिशियलाइजेशन हमने वेरिएबल को बना लिया अभी उसके बाद हम वैल्यू डालना चाह रहे हैं जैसे मान के चलो मैंने इंट ए नाम का वेरिएबल बना लिया अब इसके अंदर मुझे वैल्यू डालना है मैं क्या करूंगा मैं लिखूंगा ए इज इक्वल टू टेन मतलब आई एम असाइनिंग दिस टेन टेन टू ए इसको मैं बोलूंगा वेरिएबल इनिशियलाइजेशन इसको मैं बोलूंगा वेरिएबल इनिशियलाइजेशन तो यहां पे ये जो वैल्यू है मैंने किसको असाइन असाइन कर कर दिया को assign कर दिया को इसको हम बोलेंगे वेरिएबल इनिशियलाइजेशन तो दो चीजें आते हैं एक आता है वेरिएबल डिक्लेरेशन एक आता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन पहला आता है वेरिएबल डिक्लेरेशन फिर आता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन सबसे पहला वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा इस तरीके से और उसके बाद आप उसके अंदर वैल्यू को डाल सकते हैं उसको हम बोलेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन तो जल्दी अगर वेरिएबल डिक्लेरेशन समझ में आया है तो प्लीज सॉरी uh, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन समझ में आया तो प्लीज टाइप वेरिएबल इनिशियलाइजेशन इन चैट बॉक्स कॉमन बी फास्ट एंड बी क्विक हम बढ़ते हैं आगे लेट्स मूव सो एस यू कैन सी दिस इज The container, okay. As you can see, this is the container, okay. And ye container ke andar what I am doing, what I am doing, bachcho यहाँ pe I am putting the value, I am putting this value 21, okay. aap dekh sakte ho यहाँ pe I am putting this value 21 in this container, okay. अब यहाँ पे आप देखोगे int age और equal to 21 लिखा है, मतलब मैंने मेरे variable का नाम यहाँ पे age है और उसके अंदर 21 value को मैंने स्टोर किया है यहाँ पे बोला है इंट विच टाइप ऑफ एलिमेंट कैन स्टोर मतलब कौन से तरीके का डेटा आप ये एज के अंदर स्टोर करना चाहते हो और ट्वेंटी एग्जैक्ट एम स्टोरिंग इन दैट वेरिएबल विच वी कॉल इट एस एच ओके सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन ओके लेट्स मूव अड लेट्स मूव अड टू द नेक्स्ट टॉपिक कंटेनर वेरिएबल सब बताया ध्यान से ध्यान से पढ़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये आगे बढ़ते हैं ये ये एक छोटा सा प्रोग्राम है ये हम नहीं देखने वाले बाद में देखने वाले प्रोग्राम वाला सारा चीजें बाद में देखेंगे अभी हम देखने वाले टाइप्स ऑफ वेरिएबल बच्चों आपको ना आपको रील आया होगा वीडियो आया होगा टाइप्स ऑफ वेरिएबल समझाने के लिए ना आपको एकदम सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ देखो मैं यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या लिखा है हमने लिखा है मान के चलो मेरे पास ना एक मेन फंक्शन है ओके लेट्स टेक एग्जांपल मेरे पास ना एक मेन फंक्शन है मैंने लिखा है इंट मेन ओके अब इसका ब्रैकेट ओपन यहाँ पे होता है ब्रैकेट क्लोज यहाँ पे होता है और मैंने और एक फंक्शन बनाया है ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है ये क्या होता है ये हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे जिसका नाम है एबीसी ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज अब यहाँ पे इसके अंदर मैं लिखता हूं इंट ए अब ये जो मेरा इसको मैं वेरिएबल डिक्लेरेशन बोलूंगा तो मैंने ए जो वेरिएबल बनाया इसका स्कोप इतना ही है ए को मैं कही मैं कहीं पे ए को यहां पे यूज नहीं कर सॉरी मैं ए को यहां पे यूज नहीं कर सकता क्योंकि ए का स्कोप सिर्फ इतना ही है इसके बाहर हम ए को यूज नहीं कर सकते ओके तो यहां पे मैं और एक वेरिएबल बनाता हूं आई राइट हियर इंट बी सेमीकोलन ओके सो नाउ दिस बी ये बी का स्कोप कितना है ये सिर्फ बी का स्कोप इतना ही है ये बी को अगर मैं चाहता हूं यहां पर यूज करूं मैं बी को चाहता हूं यहां पे यूज करूं तो भी मैं बी को यूज नहीं कर सकता यहां पे क्योंकि बी का स्कोप लिमिटेड है सिर्फ इतना है तो इन दिस केस इन दिस केस ये जो ए है इसको मैं बोलूंगा लोकल वेरिएबल बी को भी मैं क्या बोलूंगा लोकल वेरिएबल एंड अगेन मान के चलिए यहां पे सबसे ऊपर मैंने डिक्लेयर किया इंट सी मतलब सी किसी भी बाउंड्री या किसी की किसी भी रेस्ट्रिक्शन के अंदर नहीं आता एंड फॉर दैट रीजन मैं सी को यहां पे भी यूज कर सकता हूं चलेगा मैं सी को यहां पे भी यूज कर सकता हूं चलेगा या किसी और फंक्शन में भी यूज कर सकता हूं चलेगा बिकॉज सी कोई भी बाउंड्री के अंदर नहीं आता एंड सी को हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल सो देर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल सबसे पहला आता है लोकल वेरिएबल दूसरा आता है ग्लोबल वेरिएबल लोकल वेरिएबल मतलब क्या जिसका स्कोप लिमिटेड है ये दे ये देखो बाउंड्रीज के अंदर ही यूज कर सकते इसके बाहर हम उसको यूज नहीं कर सकते ये बी जैसे एक्साम्पल है लोकल वेरिएबल का अगर मैं बात करूं ग्लोबल वेरिएबल तो हमारे पास में सी है वी वी कैन कैन यू यू सी सी हियर हियर इसको हम लोग बोलेंगे ग्लोबल वेरिएबल तो जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में अगर आपको समझ में आए तो प्लीज टाइप लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल बी फास्ट एंड बी क्विक लेक्चर है, तो है मैथ्स में बच्चों को केटी लगता निकलता निकलता नहीं है फोकस करो जो मिल रहा है जो अभी फिलहाल आपके प्लेट में उसके ऊपर फोकस करो ईसी सब मिलेगा बिल्कुल चिंता मत करो दोस्तों के साथ में शेयर करो क्राउड को बढ़ाओ आपके लेक्चर सब आ जाएंगे बिल्कुल चिंता मत करना चलो बढ़ते हम आगे नेक्स्ट हम देखने वाले हैं आज के सेशन में डेटा टाइप क्या होता है देखो अगर मैं बात करूं डेटा टाइप का आपके वेरिएबल के अंदर जो डेटा जा रहा है उसका टाइप क्या है आई रिपीट वन से आपके वेरिएबल के अंदर जो डेटा जा रहा है उसका टाइप क्या है सो so अगर मैं बात करूं डेटा टाइप का देर आर थ्री टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स सबसे पहला आता है यूजर डिफाइंड फिर आता है प्राइमरी डेटा टाइप्स फिर आता है सेकेंडरी डेटा टाइप्स अभी फिलहाल हम ये नहीं पढ़ने वाले हम ये भी नहीं पढ़ने वाले ठीक है एरे और पॉइंटर जो है हम बीच में पढ़ेंगे हमारे सी प्रोग्रामिंग के बीच में आएगा ये टॉपिक्स और ये जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स है ना स्ट्रक्चर यूनियन ये हम लोग एंड में पढ़ेंगे सी प्रोग्रामिंग के एंड में तो अभी अभी फिलहाल हमको सिर्फ ये देखना है पहला आता है इंटीजर दूसरा आता है कैर फ्लोट डबल ठीक है इसमें और एक चीज ऐड कर लो इसमें और एक चीज ऐड कर लो वर्ल्ड ठीक है वर्ल्ड का ये भी बताओ इंट मतलब क्या नॉर्मल जो हमारा नंबर होता है ना नॉन डेसिमल नंबर्स उसको हम लोग बोलते हैं जैसे इंटीजर नंबर्स तो वैसे नंबर्स को अगर आपको स्टोर करना है तो आप इन का इस्तेमाल करेंगे कैर मतलब क्या कैर मतलब जैसे कि ए या बी या सी एक सिंगल अल्फाबेट को अगर आपको स्टोर करना है तो हम कौन सा डेटा टाइप लेंगे हम लेंगे कैर उसके बाद में फ्लोट आता है फ्लोट मतलब कौन सा नंबर जैसे कि 10.11 या 100.12 ऐसे नंबर जो पॉइंट वाले नंबर्स को अगर आपको स्टोर करना है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं फ्लोट का डबल भी डेसिमल नंबर्स के लिए होता है बट फ्लोट और डबल में क्या फर्क है फ्लोट का जो साइज होता है ना बच्चों वो कम है एज कंपेयर टू डबल देखो फ्लोट का साइज इनफ है बहुत बड़ा है बट आपको अगर बहुत बड़ा नंबर को स्टोर करना है तो एट दैट टाइम यू वुड बी यूजिंग दिस डबल ओके उसके बाद में लास्ट आता है वाइड वाइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाइड एक ऐसा डेटा टाइप है वाइड का मतलब होता है नल या तो आप बोल सकते हो उसको ब्लैंक एम टी वॉड इज एक ऐसा डेटा टाइप है जो उसके अंदर हम कुछ भी स्टोर नहीं कर सकते ऐसा भी डेटा टाइप हमको जरूरत पड़ता है ओके सो दिस आर द डेटा जो चार से पांच डेटा टाइप हमने देखे इंट फोर फ्लोट डबल कैर वॉर्ड ओके अगर आपको समझ में आया तो प्लीज टाइप डेटा टाइप इन द चैट बॉक्स बी फास्ट एंड बी क्विक हम बढ़ते आगे सो दिस आर सम डेटा टाइप कैर जो होता है वो बेसिकली सिंगल अल्फाबेट्स को स्टोर करता है अगर हमको नाम को स्टोर करना है तो हमको उसके आगे एरे का साइज़ देना होता है वो वेरिएबल देखेंगे okay, पॉज okay, करके बाद में देख लेना आराम से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स दिस इज आवर सेकंड लास्ट टॉपिक इसमें थोड़ा टाइम जाएगा फाइव टू सेवन मिनट्स एस्के सीक्वेंस दो मिनट आज का लेक्चर खत्म ठीक है तो जुड़े रहो एंड तक देखना दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग डेटा टाइप है ना वी देखो सी सी प्रोग्रामिंग में और सी प्लस प्लस में स्ट्रिंग नाम का डेटा टाइप नहीं होता है हमको कैर को कन्वर्ट करना पड़ता है स्ट्रिंग में जो आने वाले लेक्चर्स में आपको डेफिनेटली पढ़ाऊंगा आई होप अमर सातपुते आपको ये जो मैंने बताया वो क्लियर है ओके सो ना विल सी की वर्ड का डेफिनेशन क्या है देखो बच्चो ध्यान से समझो नाउ लेट्स टेक एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल लू मैं आपको समझाने के लिए आपको समझाने के लिए कीवर्ड। जस्ट मिनट एग्जाम्पल दिमाग में आया तब तक पानी पी लू मैं ओके लेट्स एक एग्जांपल, हम लोग बात करते हैं अमर सातपुते का ओके okay. अमर सातपुते अगर अभी जो हमारा अमर सातपुते है ओके okay, उसका काम ना फिक्स है उसका काम क्या है बच्चों उसका काम है पढ़ाई करना ठीक है तो जब भी मैं अमर सातपुते को आवाज दूंगा तो मैं क्यों आवाज दूंगा पढ़ाई करने के लिए ठीक है, बट हमारे पास में ना आ... आदित्य पवार है ओके okay. हमारे पास में ना आदित्य पवार है आदित्य पवार का काम है ना क्रिकेट खेलना तो मैं उसको कब बुलाऊंगा जब मुझे क्या खेलना है क्रिकेट खेलना है देखो अमर सातपुते का काम डिफाइंड है कि भाई उसको पढ़ना है ठीक है आदित्य पवार का काम डिफाइंड है कि भाई उसको क्रिकेट खेलना है तो वैसे ही प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास में कुछ शब्द होते हैं कुछ वर्ड्स होते हैं जिसका मतलब पहले से डिफाइंड है कि जैसे यह शब्द यही काम करेगा और वो कंपाइलर को पहले से पता होता है ओके okay. तो कीवर्ड्स का मतलब क्या है कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड रिजर्व वर्ड्स क्या बोला है यहां पे कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड मतलब उसको पहले से ही हमने डिफाइन करके रखा है उसको रिजर्व करके रखा है कि उसका काम क्या होने वाला है ठीक है क्या बोला कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड रिजर्व वर्ड्स यूज इन प्रोग्रामिंग दैट हैव स्पेशल मीनिंग टू द कंपाइलर तो कंपाइलर को पहले से वो वर्ड का वो शब्द का मतलब पता होगा और वो उसको हम बोलते हैं कीवर्ड अब इसका एग्जाम्पल क्या है कीवर्ड्स आर द पार्ट ऑफ द सिंटैक्स And they cannot be used as an identifier. Identifier means what, kids? Identifier means to identify. What can be an identifier? A variable. Example, le lo. What is the example of identifier? Variable. Array. स्ट्रक्चर यूजर डिफाइंड फंक्शन देखो कोई भी चीज कोई भी चीज जो आप बना रहे हो और जो आप नाम दे रहे हो जैसे मैंने लिखा int a सेमिकोलन तो ये जो a है ना ये वेरिएबल है बट उसको आइडेंटिफायर बोलते हैं हम तो हम कीवर्ड को कभी भी वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त या एरे डिक्लेयर करते हो या स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हो या फंक्शन डिक्लेयर करते हो कोई भी तरीके का डिक्लेरेशन जो हम खुद से करते हैं वो करते वक्त हम जो ये है Uh, क्या बोलते हैं हम जो है की का इस्तेमाल नहीं कर सकते आई रिपीट वंस अगेन जैसे कि हमने कोई ना कोई चीज डिक्लेयर करना है प्रोग्रामिंग में तो वो भले वेरिएबल हो वो फंक्शन हो वो एरे हो वो स्ट्रक्चर हो वो यूनियन हो कोई भी चीज आप डिक्लेयर करो वो डिक्लेयर करते वक्त आप की का इस्तेमाल नहीं कर सकते इसलिए आपने बोला की वर्ड आर द पार्ट ऑफ द सिंटैक्स एंड दे के नॉट बी यूज एस एन आइडेंटिफायर ना वॉट इज द एग्जाम्पल ऑफ की देखो ये ऑटो एक कीवर्ड है डबल एक कीवर्ड है एक कीवर्ड है स्ट्रक टेक कीवर्ड है इनम एल्स ब्रेक केस एक्सटी फ्लोट कांस्टेंट फॉर देखो ये सारे के सारे जो आपके सामने दिख रहे हैं ना ये कीवर्ड्स हैं और इनका कुछ ना कुछ मतलब ऑलरेडी कंपाइलर के अंदर डिफाइंड है तो अब मान के चलते हैं देखो अब मान के चलते हैं कि जैसे इफ भी एक कीवर्ड है आपने इफ एल्स तो सुना ही होगा इफ भी एक कीवर्ड है तो मुझे जब वेरिएबल डिक्लेअर करना है तो मैं कैसे लिखता हूं इंट और लिखता हूं इफ Semicolon. तो ये ऐसा वेरिएबल डिक्लेरेशन में नहीं कर सकता बच्चों का पॉइंट को, ऐसा नहीं, मतलब को ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो कीवर्ड का मतलब पहले से कुछ ना कुछ डिफाइंड है समझ में आता है क्या जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में टाइप करो आपको ये समझ में आया क्या

वक्त यूनियन का नाम देते वक्त कोई भी तरीके का नामकरण आप सी प्रोग्रामिंग में कर रहे हो आप की ये जो पहले से कीवर्ड्स की उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते अगर कीवर्ड समझ में आए तो प्लीज टाइप कीवर्ड इन द चैट बॉक्स बी फास्ट एंड बी क्विक ऑफलाइन लेक्चर में जितना एनर्जी ड्रेन नहीं होता ना उतना ऑनलाइन लेक्चर में होता है कभी कभी ना कैसा सिखाते सिखाते समझ में ही नहीं आता है क्योंकि सामने कोई है ही नहीं तो वो कैसा है हम लोग ऑफलाइन लेक्चर में कैसा सामने अगर जो बच्चे बैठे एनर्जी कम है तो एनर्जी बढ़ा देते हैं अब मुझे नहीं पता आपका एनर्जी कैसा है तो हमेशा एनर्जी को हाई रखना पड़ता है तो बात कर करके मुंह जबड़े वगैरह दुखने लग जाते हैं और आपका हाथ दुख रहा है टाइप करने में जल्दी जल्दी टाइप करो चैट बॉक्स में बताओ बी फास्ट एंड बी क्विक अमर सातपुत ऑटो कीवर्ड का यूज हम पढ़ेंगे आने वाले टाइम में आज ऑटो कीवर्ड नहीं पढ़ सकते उसके पहले बहुत सारा चीज पढ़ना है हमको इधर बहुत सारे कीवर्ड हैं ये सारे कीवर्ड हम पढ़ेंगे समय आने पर ओके चलो बढ़ते हमारे आज के लास्ट टॉपिक पर विच इज is... अच्छा कांस्टेंट हमारा बच्चा है बच्चों कांस्टेंट उसके बाद फिर वो है हमारा क्या बोलते हैं आ...

Const, सबसे पहले मैं लिखूंगा कॉन्स्ट फिर लिखूंगा इंट जो भी मेरा डेटा टाइप है वो और मेरे वेरिएबल का नाम मैंने यहां पे वायर लिखा और इक्वल्स टू फाइव मतलब फाइव ये वैल्यू किसके अंदर चला गया वायर के अंदर चला गया और फाइव

And literal. समझ में आए तो प्लीज टाइप कॉन्स्टेंट इन कंसिस्टेंटली टाइप करते रहो कहा गया चाहिए so, this was constant. हम बढ़ते आगे Escape sequence. दो मिनट और दो मिनट बाद में लेक्चर को एंड करने वाला हूँ आई एम गोइंग टू वाइंड अप दिस सेशन आज हमने काफी सारे टॉपिक्स देखे है उसका एक डिटेल में समरी देखेंगे और सेशन को एंड कर देंगे एस्केप सीक्वेंस नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्केप सीक्वेंस क्या होता है एस्केप सीक्वेंस इन सी लैंग्वेज इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दैट डजंट रिप्रेजेंट इटसेल्फ व्हेन यूज्ड इनसाइड द स्ट्रिंग देखो कुछ कैसा ना हम प्रिंटिंग करते हैं ना तो जैसे अभी प्रिंट हम लोग लिखते हैं ऐसे प्रिंट एफ डबल कोट्स के अंदर मैंने लिखा v2v Semicolon. देखो प्रिंट क्या होता है आउटपुट क्या आता है भी आता है ना आउटपुट आता 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 है आता है 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 ये डबल क्या 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 नहीं आता है? समझ में आ रहा है क्या मैं क्या रहा मैं बोल हूं तो कुछ ऐसे हमारे पास में चीजें हैं जो प्रिंट नहीं होता है तो उसको प्रिंट करना है तो हम एस्केप सीक्वेंस के मन से प्रिंट कर सकते हैं ठीक है थीके? तो यहां पे क्या बोला ध्यान से समझना इट इज कंपोज ऑफ टू और मोर कैरेक्टर स्टार्टिंग विथ

क्लास अगर आउटपुट आने वाला है तो अगर आपने स्लैश बी का इस्तेमाल किया है तो आपका आउटपुट सिर्फ इतना आएगा बी टू बी क्लास एक एस को कट कर देगा लास्ट से एक शब्द को निकाल देगा देखो ये काफी इंटरेस्टिंग सबके सब आपको ट्राई करके देखना चाहिए आउटपुट में ठीक है उसके बाद में हमारे लिए इंपोर्ट कौन सा है स्लैश टी तो यह हॉरिजोनटल टैप देगा आपको और स्लैश टी स्लैश वी जो है वो आपको वर्टिकल टैप देगा टैप मतलब क्या होता है ना जब मैं स्पेस बार दबाता हूं तो एक स्पेस आता है टैप मतलब आपको एक साथ सात स्पेस दे देता है ठीक है तो आपको इसको जरूर ट्राई करना चाहिए हमको ये सिलेबस में स्लैश टी स्लैश बी उसके बाद में अगर आप आउटपुट में ना ये डबल कोर्स को प्रिंट करना चाहते हो तो आपको बैक स्लैश और फिर डबल कोर्स लिखना पड़ेगा अगर आउटपुट में आप सिंगल कोर्स को प्रिंट करना चाहते हो तो बैक स्लैश और सिंगल कोर्स लिखना पड़ेगा अगर आउटपुट में आप बैक स्लैश को प्रिंट करना चाहते हो तो क्या करेंगे आप बैक स्लैश और एक बैक स्लैश तो ये आप बेसिकली आउटपुट में प्रिंट कर पाओगे जो जैसे कि डबल कोर्स में कभी प्रिंट नहीं कर पाता बट आप प्रिंट करना चाहते हैं आउटपुट के अंदर तो बैक स्लैश और डबल कोर्स डालो तो डबल कोर्स प्रिंट हो जाएगा बैक स्लैश और सिंगल कोर्स डालो तो सिंगल कोर्स प्रिंट हो जाएगा सो दिस इज एग्जांपल ऑफ एस्केप सीक्वेंस हमको सबसे

ये काफी अच्छा फीचर है मुझे अभी पता चला नेक्स्ट लेक्चर में इसको इस्तेमाल करूंगा देखो मछली जैसे जा रहा है ये बड़ी भी होती है मछली और ये छोटी भी होती है देखो छोटी छोटी हो गई छोटी हो गई बड़ी हो गई क्या बात है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है बटे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है तो आपके फायदे के लिए हो रहा है इसलिए ये फटाफट वीडियो को लाइक करो शेयर करो तुम्हारे दोस्तों के साथ में लाइव लेक्चर होने के बाद भी भेटना एंड जल्दी अभी फिलहाल मैं ग्रुप में आपको नेक्स्ट लाइव लेक्चर जब हो तो भी होगा तभी डालूंगा एक दो दिन में ही होगा और आपको एक फिक्स टाइम टेबल डाल दूंगा कि सी प्रोग्रामिंग का लेक्चर कौन से कौन से टाइप पे होता है आपको मैथ्स का लेक्चर चाहिए रहेगा तो जल्दी जल्दी बता देना की मैथ्स का लेक्चर भी चाहिए तो हम जल्दी मैथ्स का लेक्चर भी चालू कर देंगे आपके लिए ठीक है तो आज हम देखते हैं कि हमने क्या क्या देखा है आज हमने आज के सेशन में क्या क्या देखा है ओके तो आज के सेशन में हमने देखा है वेरिएबल्स क्या होता है हमने आज देखा वेरिएबल्स क्या होता है वेरिएबल मीन्स नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ वेरिएबल एक होता है लोकल वेरिएबल एक होता है ग्लोबल वेरिएबल लोकल वेरिएबल मतलब जिसका स्कोप वो करली ब्रैकेट ओपन क्लोज के अंदर होता है ग्लोबल वेरिएबल मतलब वो किसी रिस्ट्रिक्शन के अंदर या किसी बाउंड्री के अंदर नहीं आता हम उसको बाहर डिक्लेयर करते हैं और उसको कहीं पे भी यूज कर पाते तो देर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल उसके बाद में हम लोग ने देखा था डेटा टाइप्स क्या होता है डेटा टाइप्स में तीन प्रकार थे उसमें से एक ही प्रकार देखा हमने प्रिमेटिव डेटा टाइप्स या प्राइमरी डेटा टाइप्स जिसमें पहला था एंट फिर था फ्लोट फिर था डबल

एस्केप सीक्वेंस तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो आज हमने कवर किए इसके पहले भी हमने वो जो बेसिक्स होता है सी का पहले के लाइव लेक्चर्स में कवर किया है ठीक है टिल देन आ, आज के लिए बस इतना ही आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया है एंड ये सेशन को आ, आप एक बार वापस देखिएगा मैं जल्दी ही आने वाले टाइम में एक से दो दिन में नेक्स्ट लाइव सेशन लूंगा उसका अपडेट आपको ग्रुप में मिल जाएगा अगर आप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हो तो जल्दी से जल्दी ग्रुप में ज्वाइन कर जाओ एंड वहां पर सारे इंपॉर्टेंट नोट्स आपको मिलेंगे क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगा लाइव लेक्चर जो होते हैं उसके अपडेट्स आपको मिलेंगे ये लेक्चर्स अगर आप पसंद कर रहे हो अगर आपको लेक्चर्स का फायदा हो रहा है तो इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में ग्रुप ज्वाइन करवाओ और दोस्तों को ज्वाइन करवाओ लेक्चर्स थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे अगर किसी को कुछ डाउट है तो आई एम हियर यू कैन आस्क योर डाउट अगर डाउट नहीं है तो यू कैन से नो डाउट गुड नाइट थैंक यू वेरी मच I hope there is होप देर इज नो डाउट टूडे वी हैव कवर्ड you वेरी मच संजना सालुंके श्रेया हर्षिल अमर सातपुते अंजलि. वंडरफुल यू guys are वेरी सुपर काफी मजा आता है आपके साथ लेक्चर लेने का थैंक यू वेरी मच अमर फॉर ज्वाइनिंग द सेशन थैंक यू अनुजा हाँ ग्रुप के चैट को एनेबल करता हूं चिंता मत करो अमर सातपुते को बहुत पड़ा है ग्रुप के चैटिंग का सेटिंग करने में वो ग्रुप में कोई बंकस किया ना मैं निकाल दूंगा ग्रुप से मैथ्स के टिप्स नहीं मैथ्स का लेक्चर ही चालू करने वाले हम लोग ठीक है चलो थैंक यू वेरी मच बाय गुड नाइट हैव हैव अ नाइस डे अ नाइट सॉरी हैव अ बेस्ट हैव अ गुड नाइट स्लीप पढ़ो ये वीडियो को शेयर करो हर्षल नावरे ग्रुप में नहीं है क्या कहा से है हर्षल कौन से ग्रुप में नहीं है हर्षल कहा से है हर्षल कौन से ग्रुप से हो बेटा आप कौन सा ग्रुप का मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हो क्या ये देखो लेक्चर खत्म होने का टाइम आ रहा है तो उधर स्पाइक बढ़ रहा है लोग और ज्वाइन कर रहे हैं पता नहीं ये कौन सा ये है सब लोग ग्रुप में है ना एवरीवन एवरीवन इज देयर इन द ग्रुप राइट अरे हर्षल तू 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 वी टू बी चा स्टुडंट आहे ना हर्षल ऑफलाईन बॅच लावलेस ना तू शाड अरे हर्षल तू ऑफलाईन ग्रुप मध्ये आहेस ना मग तिकडे पण येतात ना लेक्चर लेक्चरचे लिंक्स अपडेट्स दूसरा एक एक फ्री ग्रुप है केटी और सेम टू वाला जिसमें ऑल ओवर महाराष्ट्र से बच्चे हैं उसमें भी ज्वाइन करना नीलेश सर को या अपने एडमिन मैडम को कांटेक्ट कर लो ठीक है ना चलो देन बाय एवरीवन टेक केयर गुड नाइट ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते अभी इसके बाद घर पे जाके खेलना है थोड़ा बैडमिंटन खेलना है हमको नीलेश सर भी वेट कर रहे हैं वहां पे बैडमिंटन खेलेंगे हम उसके बाद में खाना वाना खा के सोना है सुबह वापस सुबह से लेक्चर्स भी है ठीक है चलो बाय एवरीवन गुड नाइट टेक केयर बाय